अपराध लक्षय की ताज कमाल तरंग में गई। जो जो दरवाजा है ना उसको बंद कर दो, ठंडा रहे। कृपा मई त्वम शरणम प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणारविंदम। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत, थोड़ी सी खोल कर रखो जो आएगा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद सब हरि हरि बोल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम श्री श्री मद्भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथा योग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। आज हम लोग का बड़ा सौभाग्य का दिन है। हम लोग श्री गुरुपाद पद्मते शतवार्षिक उपलक्ष्य को करते हुए अब लोग ने सबके सब श्री वृंदावन धाम में आए। इसलिए किसी संतों की किसी वैष्णव को तिथियों को उपलक्ष्य करते हुए जब हम लोग आते हैं ये कोई साधारण बात नहीं। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जो हरिदास ठाकुर ने शरीर छोड़े, महाप्रभु स्वयं अपना गोद में उठा कर लेकर गए और इसी समुद्र में उन्होंने स्नान कराया। जब स्नान कराया महाप्रभु कहते समुद्र तो अभी तक केवल तीर्थ था, लेकिन ये हरिदास ठाकुर के शरीर का स्पर्श से तो तीर्थ नहीं तुमने महातीर्थ बने, सबसे बड़ा तीर्थ बन गया। देखना किसी जगत में जब कोई शरीर छोड़ता है ना उसको अगर हम स्पर्श करते हैं, हम स्नान करते हैं, स्नान करते ही नहीं, यहाँ तक भी जब कोई व्यक्ति मर जाए उनको साथ में जो शमशान तक जाते हैं उसी के लिए भी स्नान करना पड़ता है ना। सशरीर वस्त्र को साथ में स्नान करके तभी जाकर हम लोग पवित्र होते हैं, हैं? लेकिन जब कोई वैष्णव शरीर छोड़ता है लेकिन महाप्रभु शरीर छोड़ने का बावजूद भी उनको शरीर वैष्णव का जो शरीर है वो कोई साधारण शरीर नहीं, हमारे जैसे हार्ड मांस खून पीत का शरीर उनका शरीर ऐसे नहीं। कहते वैष्णव चरित्र अपराध करते सदा, वैष्णव का जो शरीर है भगवान की शरीर जैसे सचिदामय सचिदानंदमय है, कहते भक्तों का शरीर भी सचित आनंदमय। क्यों? संपूर्ण जीवन उन्होंने हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 ठाकुर जी को भोग लगा करके उसी से ही ये शरीर बना हुआ है। इसलिए एक समय हमारे एक भक्ति भयो बोली गोस्वामी महाराज किसी कारण से जब शरीर थोड़ा अस्वस्थ हुआ, डॉक्टर ने कहा महाराज जी आपको कुछ खून चढ़ाना पड़ेगा शरीर में तब आपको पूर्ण रूप में सुस्त हो जाएगा। नहीं, खून किसी व्यक्ति का खून होगा ना, पता नहीं वो व्यक्ति कैसे होगा, अपना जीवन को कैसे बिताया होगा बिना प्रसाद खा करके, हो सकता है मांस मछली खा करके अंडा प्याज लहसुन खा करके
जिसका शरीर का खून बना, उनका शरीर का खून मैं क्यों शरीर में चढ़ाऊंगा? मर जाऊंगा, लेकिन किसी व्यक्ति का खून मैं शरीर में नहीं चढ़ाऊंगा, क्योंकि मैंने इसी शरीर से जिंदगी भर साधु गुरु वैष्णव का मैंने सेवा किया है। प्रसाद पा पा करके शरीर का खून, मेरे शरीर का खून ऐसे नहीं, भगवान की प्रसाद पा पा करके शरीर में मैंने बनाया है। इसलिए भैया मर जाऊंगा लेकिन किसी व्यक्ति का खून में नहीं चढ़ाऊंगा। इसलिए दूसरे चीज फल फूल दाल में बहुत सारी प्रोटीन से हम ये सब चीज को लेंगे, भगवान को भोग लगा करके उसका हम पाएंगे, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति का खून में नहीं चढ़ाऊंगा। इसलिए जब कोई वैष्णव का जो शरीर है ना, वो साधारण शरीर नहीं। इसलिए वैष्णव लोग शरीर छोड़ने का बावजूद भी महाप्रभु स्वयं कहते हैं, हे समुद्र, आज तू हरिदास ठाकुर का शरीर का स्पर्श से तू तीर्थ नहीं रह गया, तू तीर्थ कभी तीर्थ तूने महातीर्थ है। महातीर्थ है जब समाधि उनको दिया शरीर को, पहले जिन लोगों ने इसमें बालू का दिए हैं उनका भी कल्याण होगा, जो लोग इनको साथ में आए उनका भी कल्याण होगा। और महाप्रभु लास्ट में क्या की, जगन्नाथ मंदिर में गए। पुरी कौन कौन गए हो? जगन्नाथ पुरी अब तक कौन कौन जाना चाहते हो? सब इस बार जगन्नाथ जी अगर रथ यात्रा होगी, जगन्नाथ जी रथ यात्रा होगी तो अब सबको हम ले जाएंगे जगन्नाथ पुरी। नवद्वीप में जाओगे तो कौन कौन नवद्वीप जा रहे हैं? अगर जा रहे हो बहुत अच्छी बात। नवद्वीप हमारे चैतन्य भागवत में कहते हैं, नवद्वीप है न धाम त्रिभुवन नाही, जहाँ अवतीर्ण है चैतन्य गोसाई। नवद्वीप धाम जैसे त्रिभुवन में कोई धाम नहीं है, जहाँ पर श्री सच्चिदानंद गौर हरि ने जहाँ पर उन्होंने जन्म ग्रहण किया है। इसलिए शंकर जी पार्वती को भी कहते, बोले पार्वती ये पृथ्वी में जितने सारे तीर्थ है, कितने तीर्थ पृथ्वी में? बोले 6 अरब। कितने? 6 अरब। 1 अरब कितना होता है? 100 करोड़ में 100 अरब होता है। 100 करोड़ में कभी 6 अरब मतलब कितना हो गया? 600 करोड़ तीर्थ। अगर जीवन में कोई एक बार नहीं, हजार हजार बार कोई उसको दर्शन करे, उसमें जो जीव को पुण्य मिलेगी, एक बार अगर श्री नवद्वीप धाम में शंकर जी पार्वती को कहते हैं, एक बार वैष्णव की आनुगत्य में श्री नवद्वीप धाम में एक बार अगर कोई परिक्रमा करे तो उससे भी करोड़ों गुण ज्यादा फल मिलेगा उसको, करोड़ों गुण ज्यादा उसको फल मिलेगा। इसलिए नवद्वीप धाम परिक्रमा करने का बड़ा महत्व है। जो चल रहे हैं हम तो बड़े भाग्यवान हैं, और जो नहीं चल रहे हैं अभी से टिकट बना दो, हैं अभी से टिकट उसका टिकट मिलेगा नहीं, लास्ट जल्दी से बना दो। और कुछ भक्त लोग तो गंगा सागर भी जाएंगे, कौन कौन गंगा सागर जाओगे इस बार? कितना सारे तीर्थ बार गंगा सागर एक बार वहां गंगा सागर को दर्शन करेगा। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं महाप्रभु स्वयं गए आनंद बाजार में, जगन्नाथपुरी में आनंद बाजार। आनंद बाजार किसको कहते हैं? जहाँ पर जगन्नाथ जी प्रसाद मिलता है, हैं? आनंद का पता है कि बढ़िया बढ़िया प्रसाद पाए तब तो आनंद आएगा ना, इसलिए उसका नाम आनंद बाजार है, जहाँ पर जगन्नाथ महाप्रसाद वहां पर बिकता है। महाप्रभु स्वयं गए, स्वयं अपना झोली पसार पसार करके भक्तों के लिए, देखो भगवान स्वयं भक्तों की कितने महिमा भगवान दिखा रहे, साक्षात परम परम प्राप्त भगवान स्वयं भिक्षा मांगे, भिक्षा मांग करके प्रसाद के लिए बैठने गए। पहले सारे भक्तों को मैं अपने हाथों से भोजन पिलाऊंगा, इसलिए महाप्रभु अपना हाथों से, महाप्रभु हाथ तो छोटे मोटे था नहीं, महाप्रभु ऐसे लेकर चावल लेकर के देते थे, उसमें दाल सब्जी, उसमें मिठाई, जगन्नाथपुरी का जो सुंदर जो खीर बनता है ना, पृथ्वी में कहीं पर नहीं से तो खीर कभी भी आप मिलेगा, पृथ्वी में कहीं जाओ बड़े सुंदर खीर है, और रसमोहन तरह तरह का प्रसाद, मालपुआ बड़े सुंदर प्योर घी मालपुआ बड़े सुंदर प्रसाद वहां पर, इस बार जाएंगे तो सबको हम खिलाएंगे मतलब, ठीक है? इसलिए मुंह में पानी नहीं आ रहा था। इसलिए महाप्रभु
समस्त भक्तों को बैठा करके महाप्रभु अपना हाथों से प्रसाद खिलाया। और लास्ट में कहते हैं जिन लोगों ने ये हरिदास ठाकुर जी की निर्जान महामहोत्सव में आए हो, शरीर छूट गया आए हो, उनको साथ में जो गए और समाधि में जो रेती दिया, यहाँ तक भी जो इसी महोत्सव में जो प्रसाद पाया ना, भगवान स्वयं कहते हैं इनको एक दिन जरूर भगवान की भक्ति मिलेगी, एक दिन जरूर ठाकुर जी के चरण की प्राप्ति भी जरूर मिलेगा। ये भगवान स्वयं वरदान दिए। इसलिए आप लोग जो हमारे जो दो दो महाराज जी हैं, श्रील भक्ति वेदांत श्रील बामन गोस्वामी महाराज, भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज, और गत कल जो तिथि थी भक्ति वेदांत श्रील त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज, जो ये गौड़ीय वैष्णव हमारे वेदांत समिति के तीन जो पिलर थे हैं, जिनको ब्रह्मा विष्णु महेश मानी जाती है। ब्रह्मा क्या करता है, सृष्टि करते हैं, कहते श्री बामन गोस्वामी महाराज सब उन्हें दीक्षा मंत्र देते थे, कहते नारायण पोषण करते हैं पालन करते हैं, हमारे श्री भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज सब बच्चों को अच्छी तरह से भगवान भक्ति की शिक्षा देते थे, और शंकर जी क्या करते थे, बोले संहार करते थे। इसलिए त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज संहार करते थे, मतलब क्या, ऐसे कठोर वाणी बोलते थे, ऐसे शिक्षा देते थे, ऐसे शासन करते थे, अगर कोई भक्ति से जैसे बाहर नहीं जाए हैं। इसलिए संत एवास छिंदस्ति मन व्यास संगोक्ति भी, साधु क्या करते हैं बाहर रूपी तलवार के द्वारा हमारे हृदय में जो काम क्रोध लोभ बैठा हुआ उसका जो खत्म कर देते हैं। इसलिए ये तीनों महाराज ने ब्रह्मा विष्णु महेश का ये तीनों काम करते थे हैं। इसलिए आप लोग जो इनका तिथि पर आप लोग जो आए हो ना, बड़े भाग्यवान से भगवान स्वयं कहते बड़े भाग्यवान है इस तिथि में जो आए, गुरु जी तो देख रहे हैं सब कुछ, इसलिए जरूर वो भी आप लोगों को जरूर भक्ति देंगे, जरूर आपको प्रेम देंगे, जरूर एक दिन भगवान का धाम में स्थान भी जरूर मिलेगा। इसलिए आप लोग ये ताली बजाओ जोर से, इसलिए भागवत में एक श्लोक को सुन करके आप लोग छोड़ देंगे, फिर आप लोग फिर बढ़िया प्रशांत गुरु कितना बजे प्रसाद हो जाएगी, 8 बजे क्या क्या बना लेंगे, हलवा है, अच्छी बात है। इसलिए एक श्लोक सुन करके फिर आप लोग को छोड़ देंगे, आप जा करके अपना हरिनाम भला करना, ठीक है। इसलिए भागवत में एकादश स्कंध में नैमि नवजोगेंद्र संवाद में श्री नैमि महाराज को नवजोगेंद्र जो बड़े बड़े ऋषि थे सर्वत विहार करते थे, नौ को प्रश्न किया। एक पहला जो नवजोगेंद्र में जो पहला व्यक्ति है कहते उनका नाम कवि, इनको उन्होंने एक प्रश्न किया, मन को शांति कैसे मिलेगी, आत्मा को शांति कैसे मिलेगी। देखना जीवन में हम जो कुछ करते हैं किसके लिए करते हैं, शांति सुख के लिए करते हैं, और किसके लिए करते हैं, केवल जीवन में शांति सुख मिले। इसलिए इनका यही प्रश्न है आत्मा को शांति कैसे मिलेगा, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई परिवार से दुखी, कोई पड़ोसी से दुखी, कोई पति से दुखी, कोई सास से दुखी, कोई ससुर से दुखी, संसार बड़ा दुखमय है। इसलिए आत्मा को शांति कैसे मिलेगी, जब उन्होंने उनको प्रश्न की तब उन्होंने उसका उत्तर देते हैं, आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब ये जीव भगवान की शरण में जाएगा, ये जीव जब प्रभु की शरण में जाएगा तभी ये जीव को शांति मिल सकती है। प्रभु के शरण में गए बगैर, मतलब भगवान की भक्ति के किए बगैर अगर कोई सोचे हमें शांति सुख मिल जाए, ये असंभव है, ये असंभव है। तभी मिलेगा शांति जब ठाकुर जी की शरण में जा करके भगवान की भक्ति करेंगे, तभी ये आत्मा को तभी शांति मिलेगी। इसलिए उन्होंने पहले उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मतलब पहला काम है
सबसे पहले हमें श्री गुरु जी की शरण लेना पड़ेगा। इसलिए कहते ना बिनु गुरु भवनिधि तरै न कोई, जो बिरिज शंकर सम होइ। कहते ब्रह्मा शंकर जैसे अगर तुम बन नहीं जाए, जब तक ये जीव सतगुरु की शरण में नहीं जाए, जीव का कभी कल्याण हो नहीं सकता। इसलिए गुरु जी की शरण में जाकर के, और गुरु जी को क्या माने, गुरु ही हमारे जीवन का सर्वस्व है, गुरु ही हमारे। इसलिए कहते ना गुरु गोविंद दो खड़े काग ला रहा हूँ, बलिहारी श्री गुरु जी जो गोविंद दिए। सबसे पहले गुरु जी की शरण में जाना पड़ेगा। लठीक है, गुरु जी की शरण में लेकर कुछ और क्या करना पड़ेगा, बोले भगवान की भक्ति करना पड़ेगा, भगवान की भक्ति भजन करना पड़ेगा। फिर कोई बोलेगा नहीं भगवान का भक्ति तो बड़ा कठिन है। कहते भगवान की भक्ति कोई कठिन नहीं, अगर जगत में सबसे अगर सरल कोई चीज हो ना, भगवान की भक्ति है। इसलिए भगवान कहते हैं सारे छाल कपट को छोड़ करके, हैं सारे छाल कपट को छोड़ करके सरल होकर के एक बार केवल ठाकुर का भजन करना, ज्यादा कुछ करना नहीं है, भक्ति में ज्यादा कुछ नहीं करनी है। एक उदाहरण देकर के बताएं, देख लो भक्ति किसको कहते हैं। मेरे तरफ में देखो, जैसे यहाँ पर कोई एक चीज रखा हुआ है, अगर हमने यहाँ से उठाया और यहाँ पर रख दिया, बात इतना ही भक्ति, और भक्ति कुछ नहीं है, ये चीज को समझो। तब एक उदाहरण देकर समझाए, एक समय कोई एक व्यक्ति था, उसको घी पीना बहुत पसंद है, घी पिए बगैर रह ही नहीं सकता, लेकिन घी को पी 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 करके एक दिन ऐसे हो गया उसका पेट हो गया पतला, उसका पेट में और घी डाइजेशन नहीं होता है। अभी एक डॉक्टर को पास गए, बोले डॉक्टर साहब जी मेरे को घी बहुत पसंद है, लेकिन वो घी पी पी करना मेरा पेट पतला हो गया। अभी घी पीता हूँ तो पेट पतला है, घी हजम नहीं हो रहा है, तबियत खराब हो जाएगा, खराब हो गया। इसलिए ऐसे कोई दवा दो, जैसे घी तो छूटे ही नहीं, घी छूटे नहीं, घी तो पीऊंगा क्योंकि घी मेरे को बहुत बढ़िया लगता है, लेकिन मेरी बीमारी सही हो जाए। बोले ठीक है, पहले जो घी पीता था अभी मैं तेरे को पुड़िया देता हूँ, वो घी में एक पुड़िया को मिला लिया गया, और उसको पहले जैसे ऐसे पी लेता था, पीना नहीं, उसको चार चार कर खाने, लेकिन उसमें ऐसे कुछ चीज थी जो खट्टा है, नमकीन है, मीठा है, वो पुड़िया भी। बोले ठीक है, जब उन्होंने घी में इसको मिला दिया, मिला करके उसने चाट चाट के खाया, पहले डायरेक्ट पी लेता था इसलिए हजम नहीं होता था, लेकिन अभी उसमें मीठा खट्टा नमकीन सब चीज, लेकिन जब अभी जब चाट चाट के खाता है ना, देना मुंह से लाल निकलता है, लाल निकलता है ना, पहले तो हजम नहीं होता था, अभी वही घी पेट में हजम करना भी शुरू कर दिया और शरीर में लगना भी शुरू कर दिया, धीरे धीरे हृष्ट पुष्ट एकदम चकाचक हो गया, एकदम बढ़िया से नहीं हो गया, उल्टा काम हो गया घी। हाँ, कहते भैया ये घी किया, ये पुड़िया किया, ये चीज को समझ लो कितनी सी बात, ये घी किया और ये पुड़िया किया। बोले ये घी जो भक्ति किया चीज है, बोले भक्ति उसे कहते हैं हम लोग जो कुछ हम करते हैं, बोले अन्यान विरासता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम। उत्तमा भक्ति उसको कहते हैं जब समस्त इंद्रियों को दे करके ठाकुर जी कैसे प्रसन्न होंगे, जो कुछ करेंगे ठाकुर जी की प्रसन्न के लिए करेंगे, किसके प्रसन्न के लिए करेंगे, ठाकुर जी को कैसे प्रसन्न के लिए करेंगे। इसलिए घर का कोई काम नहीं छोड़ना है, घर का सारे काम करना, पहले जैसे झाड़ू लगाते थे, लेकिन जब सदगुरु से मिलने से पहले जब कोई घर में झाड़ू लगाता है क्या सोच कर, घर मेरा मेरा घर है, ये मेरी घर है, मालिक मैं हूँ, लेकिन जब सदगुरु शरण में आ जाता है ना, सदगुरु क्या कर, भैया घर का मालिक तुम नहीं, घर का मालिक तो श्री ठाकुर जी है, अभी खूब झाड़ू लगाओ, परिष्कार करो, लेकिन जब झाड़ू लगाओ, जब झाड़ू लगाया क्या सोच करके, अपना घर में झाड़ू नहीं लगा रहे, कहाँ लगा रहे, ठाकुर जी के मंदिर में झाड़ू लगा, बस हो गए, पहले भी झाड़ू लगाते थे, अभी भी वही झाड़ू लगा रहे। पहले जो खाना बनाते थे किसके लिए भोजन बनाते थे, बोले मेरे पति, मेरे बेटा बेटी, मेरे परिवार के लिए बना रहे, लेकिन अभी जब कोई चीज बनाया करो, अभी परिवार के लिए नहीं, किसके लिए बनाओ, ठाकुर जी के लिए।
पहले भी बच्चे को थपथपी लगा करके सुलाते थे, बच्चे को प्यार करते थे, क्या सोच कर बच्चा मेरे है। लेकिन अभी जब बच्चे को प्यार करोगे किस क्या मान करके, ये भगवान ने ये बच्चे दिए हैं, इनके ठाकुर जी के बच्चे हैं, ये बड़े होकर के ये भी ठाकुर जी की सेवा करेंगे, ठाकुर का भजन करेंगे, ठाकुर जी का नाम करेंगे, इसलिए हम बच्चों को प्यार करते हैं। अगर बच्चे अगर प्रभु का भक्ति नहीं करते हैं ना, तुम्हारे बच्चे पालन करना बेकार है। इसलिए शास्त्र में बताया अवैष्णव शतपुत्र जननी सुकरी समा, उदाहरण दिया है जैसे कुंती की कितने बेटे थे बोलो, उनके पांच बेटे, युधिष्ठिर भीम नकुल सहदेव अर्जुन, लेकिन ये सबके सब कृष्ण भक्त थे। अपना गांधारी कितने बच्चे थे, सौ, लेकिन एक भी कृष्ण भक्त था, एक भी कृष्ण भक्त नहीं। इसलिए उनको शास्त्र डाल देता है, सुअरिया जैसे बच्चे जन्म दे देते हैं, ऐसे तुमने सुअर जैसे सुअरिया जैसे तुमने बच्चे जन्म दे देते हैं। अगर भगवान की भजन नहीं लगाया तो, अगर बच्चों को अगर भगवान की भक्ति में लगा पाए ना, तब भी बच्चों को जन्म देना सार्थकता है। नहीं तो यहाँ पर सुमित्रा कहती है, पुत्रवती जुवती जगत सोई रघुपति भक्ति जासुसुतो, क्या कह रहे हैं, तब भी संतान जन्म देना सार्थकता है। अगर तुम्हारे बच्चे भगवान की भजन किया तो, लेकिन उसको दूसरे लाइन में कहते हैं, अगर तुमने बच्चों को प्रभु की भजन में नहीं लगा पाए तो कहते माँ को बांझ रहनी चाहिए, तुमको बच्चे जन्म देने का कोई अधिकार नहीं, बच्चे जन्म देकर बेकार है, हैं? जिंदगी भर भरण पोषण पालोगे, कृष्ण भक्त नहीं करेगा तो उसको पाप भी तुमको भोगना पड़ेगा। बच्चे अगर शराब पीने लग गए, जुआ खेलने लग गए, बच्चे को कष्ट करे पालना कर करे पाप धर्म होकर गर्भ में धारण करो। इसलिए यहाँ कहती है तभी बच्चे जन्म दो जब बच्चे को तुम भक्त बना पाओगे, बच्चे को तुम भजन में लगा पाओगे तो बांध दो, ठीक है ना। क्या करना है, जब बच्चे को पालन करो, क्या सोच करके कि बच्चे बड़े होकर के ठाकुर जी का सेवा करेंगे। और जिसका एक बेटा प्रभु का भजन करे ना, उसका 21 पीढ़ी उधार जाते हैं, उसको पिता माता की जीवन धन्य हो जाती है, पूर्वज लोग स्वर्ग में नाचना शुरू कर देते हैं, इनकी चरण स्पर्श पाकर पृथ्वी भी अपने आप को धन्य मानती है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर कहते हैं नौकरी चाकरी करो, किसके लिए नौकरी चाकरी कर रहे हो, ठाकुर जी के लिए, पैसा का बोले कुछ भी नहीं होगा, पैसा का बगैर कुछ भी नहीं होगा, तब भी पैसा लक्ष्मी है ना, लक्ष्मी ठाकुर जी का लक्ष्मी है, ठाकुर को सेवा के लिए हम पैसा को, ठाकुर जी की सेवा के लिए हम पैसा को कमा रहे हैं। इसलिए यहाँ पर कहते हैं हम जो कुछ संसार में करते हैं काय मन और वाक्य से, इसलिए शरीर के द्वारा जो कुछ करते, जैसे घी, घी मतलब कर्म, इसी जीवन में जो हम कर्म करते हैं फिर इसी कर्म को लेकर दूसरे जीवन में जाना पड़ता है, दूसरे जीवन में जो कर्म करते हैं फिर तीसरे जीवन में जाना पड़ता है। हम ऐसे ही 84 लक्ष और 14 ब्रह्मांड हम ऐसे ही भ्रमण कर रहे हैं अनादिकाल से, अनादिकाल से पेट में अपच, घी तो पी रहे हैं लेकिन पेट में अपच कर रहा है, क्यों, कर्म का फल, कर्म फिर वो 84 लक्ष 14 ब्रह्मांड में भ्रमण कर रहे हो, लेकिन उसमें घी मिलाना मतलब घी में जो पुड़िया गया वो पुड़िया क्या है, बोले ना पहले जैसे घी पीता था ऐसे नहीं, पुड़िया मिला दो और उसको चाट चाट कर खाओ, बोले पुड़िया मतलब क्या है, सब कुछ करो काय मन और वाक्य से सब कुछ करो, लेकिन शरीर से जो कुछ करो ठाकुर को सेवा मान कर करो, वाक्य से जो कुछ बोलो, पहले हम भी बात भी करते थे लेकिन अभी इधर उधर बात नहीं करके, इसी जीवा की तभी सार्थकता है जब ये जीवा से ठाकुर जी का नाम निकले, वो जीवा से जब भगवान की भजन की बात निकले तभी ये जीवा की सार्थकता है। लेकिन हरि हरि नाम तो करते नहीं, दिन भर भागवत में बताए जीवा असती दादुरी एक सुत नक्ष उपगायंती गुरु गायका था, भगवान जिनको ये जीवा दी है, इसी जीवा से अगर भगवान का कीर्तन हो रहा है, जीवा से अगर ठाकुर जी का नाम हो रहा है, भगवान की कथा सुना रहे हैं, तभी ये जीवा की सार्थकता है। लेकिन दिन भर प्रभु का भजन का कोई बात नहीं, दिन भर जीवा जैसे मेढक जैसे
टटर 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 करता रहता है, दिन भर इधर उधर का सारी बात करते हैं, इधर उधर की उसकी सास और साथ में भोग लड़ाई हो रही है, उसकी छोरी को वो छोरा लेकर भाग गया और उसको सारा दिन इधर उधर बात है। लेकिन जो भगवान का नाम हो ना चुप, भगवान का नाम बोलो चुप नहीं, क्या करनी चाहिए? अगर किसको कोई बात बोलो तो भक्तिवृंद ठाकुर कहते हैं आन कथा ना बोली वे, आन कथा ना करी वे, जति मिली वे आने, मतलब भगवान की बात को छोड़कर कोई दूसरी बात नहीं करना जब दूसरे से मिले, ठीक है ना। मतलब इसलिए काय मन, मन को द्वारा क्या करो, मतलब मनमोहन को चिंता करना, मन को द्वारा मनमोहन भगवान की चिंता नहीं कर, बात हो गया। भक्ति यही है, भक्ति कोई बड़ी चीज नहीं, जो कुछ संसार में कर रहे हो वही करो, अलग कुछ ही बात नहीं है। लेकिन पहले जब हम करते थे अपना मैं मेरा दे तेरी ये माया है, लेकिन अभी जो कुछ कर किसके लिए कर, ठाकुर जी के लिए, रोज रोज भगवान के लिए क्या कर, यही भक्ति, भक्ति और कुछ नहीं, ठीक है ना। उसके बाद में क्या करो, बोले नित्यम भागवत सेवया, फिर कोई सदग्रंथ को जरूर सुना, गीता हो, रामायण हो, भागवत हो, कोई भक्तों के चरित्र हो, नियम करके कुछ ना कुछ बताना। अभी तो हमारे भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज की यूट्यूब में दो रोज रोज कथा दी है, घर में इधर उधर की बात नहीं करे, घर में लगा दो, जैसे रसोई बना रहे हो, रसोई बना कर हाथों में, लेकिन घर में लगा दो गुरु जी कथा चल रहे, कथा सुनते सुनते रसोई बनाए, देखना रसोई में विशेष स्वाद आए, रसोई में क्यों भगवान की कथा, घर में लगा दो गुरु जी कथा हो रही है, घर का परिवार लोग भी सुन रहे हैं, इधर उधर उल्टा पुल्टा गाना नहीं लगा करके घर में ठाकुर जी कथा ही चलते रहे, सबके पास में अभी तो स्मार्टफोन है, मोबाइल है, हाँ इधर उधर का गंदी गंदी चीज को नहीं सुन करके गुरु जी कथा लगा दो, गुरु जी कथा सुनवास हो गया, ठीक है ना। फिर उसको बाद में विशेष करके ध्यान देने का बात है, कहते हैं भगवान की नाम जप करनी चाहिए, बोले एवं व्रत सोत्रीय नाम कृत्वा जातानुराग कृतचित उचे है। यहाँ पर कह रहे हैं जीवन में व्रत क्या बना लो, कहते हमने ये चीज में व्रत लिया, प्रतिज्ञा ली, तो हम लोग कलयुग में क्या व्रत लेनी चाहिए, बोले अपना प्रिय जो नाम है, है? हमारे जो प्रिय नाम है ये जो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम, और हरे हरिनाम को जीवन का सर्वस्व बना दो। इसलिए महाप्रभु कहते सोते उठते बैठते चलते हरिनाम करो, इसलिए गुरुदेव कहते थे जब गुरु जी से हम माला लेते हैं, ध्यान करो जब गुरु जी हमें माला दिया, वो माला नहीं दिया है, ठाकुर को दिया है, क्योंकि हरि से बड़ा हरि का नाम है, ठाकुर जी गुरु स्वयं ठाकुर जी हमें प्रदान किया है, इसलिए गुरु जी कहते थे कभी ये माला को भूखा नहीं रखना, भूखा नहीं रखना मतलब क्या है, अगर एक दिन अगर ये माला को हमने जप नहीं किया तो ठाकुर जी भूखे रह गए, स्नान नहीं किया, कपड़ा नहीं बदलाया है, अगर खुद भूखे रह जाओ, लेकिन माला को कभी भूखा नहीं मत रखो, क्योंकि एक दिन यही जीवन में काम आने वाली, और कोई भी जीवन में हमारे काम में नहीं आएगी, सुई धागा भी साथ में जाने वाले नहीं है, इसलिए अंतिम समय में पायो जी मैंने राम यही धन मिलेगा और कुछ मिलने वाले नहीं, इसलिए क्या करो हरिनाम का जीवन का व्रत बना दो। महाप्रभु क्या बोले, प्रभु बोले कहिला यही महामंत्र इहा जप गिया सबे करिया निर्बंध, मैंने तुमको जो ये हरिनाम दिया है ये हरिनाम को नियमित पूर्वक नाम जप करो, ऐसे नहीं आज इच्छा हो गया कर लिया, कल इच्छा नहीं हुआ तो माला जान कर लटक रहा है, और झोली में चूहे आकर को बच्चा जन्म दे दिया, झोली में चूहा ही आकर को बच्चा जन्म दे दिया, बोल नहीं क्या करो नियमित पूर्वक है, नियमित पूर्वक, इसलिए महाप्रभु को बोले ना कि महाप्रभु को निमंत्रण दिया, प्रभु हमारे घर में भोजन आपका बोल नहीं, मैं सबका घर में नहीं करता हूँ, बोले किसको घर में करते हो, बोले जो लखपति बनेगा,
वे प्रभु जिंदगी में कभी लखपति बन नहीं सकते हो, उसका लखपति मतलब 1,00,000 स्वर्ण मोहर जिसको कहेंगे वो है, हमारे पास में 100 रुपया भी नहीं, 1 रुपया भी नहीं, आप कहते जो लखपति उसको घर में भोजन करेंगे। महापुरुष क्या समझाए, बोले असली लखपति कौन है, बोले जो रोज रोज 1,00,000 ठाकुर जी की नाम जप करते हैं, ठाकुर जी की नाम जप करते हैं वही असली लखपति है। इसलिए मेरा कहती है ले लगे कोई राम का प्यारा आवाज लगाओ कभी कभी, राम नाम के हीरे मोती में बिक रहा हूँ। असली जो धन है भगवान का नाम धन है, ठाकुर जी की नाम धन। इसलिए हरिनाम कभी भूखा मत रखो, इसलिए खुद भूखे रह जाओ लेकिन माला कोई भूखा नहीं रखनी चाहिए। इसलिए हरिदास ठाकुर जी दिन में 3,00,000 हरिनाम करते थे, कितना नाम करते थे, 3,00,000 हरिनाम करते थे, और भगवान स्वयं उनके लिए जगन्नाथ का प्रसाद लाते थे, बोले प्रसाद लाओ। एक दिन बेड को पर लेट हुए, शरीर अस्वस्थ, शरीर छोड़ने वाले, जब महाप्रभु प्रसाद लेने के लिए आए बोले हरिदास प्रसाद लो, बोले प्रभु जी आज मैं प्रसाद ग्रहण नहीं कर सकता। बोले क्यों, बोले मैंने जो 3,00,000 माला करता था 3,00,000 माला पूरी नहीं हुई, बोले 3,64,64 माला, आज माला ही पूरी नहीं, मैं भोजन कैसे कर लूंगा। बोले तुम तो वृद्ध हो गए हो, अभी तो थोड़ा संख्या को कम कर लो। देखो ये चीज ध्यान देने का है, क्या संख्या देते हैं, बोले संख्या वाला थोड़ा कम कर लो, बूढ़े हो गए हो थोड़ी कम क्या करो। वो क्या कहते हैं, प्रभु जी शरीर और अस्वस्थ है, अस्वस्थ बुद्धिमान, मेरा शरीर तो चंगा है लेकिन ये जो मन है ना ये अस्वस्थ है, ये मन को बीमारी, मन का क्या बीमारी, ये चीज को समझो। देखना संसार का सारे काम कर लेंगे, अगर स्मार्टफोन पकड़ लिया ना बस, उससे तो दुनिया में बढ़िया चीज कुछ है नहीं, 3-3 घंटा वहां पर बीत जाती है। कोई फिल्म में आ गई, टीवी में कोई अगर कोई नाटक इधर उधर चीज देना, आज हार भाग 3-3 घंटा बैठ जाए। लेकिन जब माला की बात करो ना, 1,000 बहाने बजे, ये हो गया वो हो गया वो हो गया, समय नहीं मिला। लेकिन जब हम इधर उधर की बात करते हैं ना, भक्तिवर ठाकुर कहते हैं जब भी अन्य कथा पाओ अतिया सतिया कहो कृष्ण नाम लय आलिस। भक्तिवर ठाकुर कहते हैं अगर दूसरी कोई बात अगर छेड़ लिया तो चाहे घर माताएं बैठ गई, बस हो गया, हो गया, उसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया। बोले मैंने इतना बड़ा 10 हाथ भूत देखा है, बोले मैंने 20 हाथ भूत देखा है, किसी ने बोले इतना बड़ा सांप देखा, अरे मैंने देखा उस घर में सांप निकला। इधर उधर की बात बोलना ताकत आ जाती है, एनर्जी आ जाती है। लेकिन जब भी कृष्ण कथा सुना, अगर कृष्ण कथा अगर भजन की बात हो ना, भैया नींद आ रही, तकिया ले, नींद आ रही। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं क्या करो, कहते ये मन बड़ा दुष्ट है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं सवेरे उठो, सवेरे उठ करके अपना जूती लो, और अपना जूती लेकर के मन को सवार पीटो। बोले मन आज दिन भर इधर उधर में समय नहीं निकाला, निकालना हरिनाम कर लो, भगवान की कथा सुनो, भगवान की सेवा में ही जीवन को बिताना, ठीक है ना। इसलिए कहते जीवन का व्रत हरिनाम कर लो, कि अगर भगवान नाम को अपने जीवन का व्रत कर लिया तो बस बेड़ा पार है, बेड़ा पार है, ठीक है ना। इसलिए जब नाम जप करके क्या हुआ, महाप्रभु कहते चेत दर्पण मार्जनम, जितने हरि नाम हम करते हैं उतना हमारी चित्र भी जो दर्पण उतना साफ होता है, उतना ही साफ होता है, हैं? जीवन का समस्त दुख कष्ट भगवान का नाम से दूर होता है, हैं? हृदय भी कुमुदिनी खिल जाती है, जीवन का सर्वस्व है भगवान का नाम ही, जीवन का सर्वस्व है। फिर हरिनाम करते करते क्या होता है, कभी हंसने लग जाते हैं, कभी रोने लग जाते हैं, कभी नाचने लग जाते हैं। बोले क्यों, वो हंसते क्यों, कारण क्या है, बोले इसलिए हंसते हैं हरिनाम करते 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 उसका हृदय में ठाकुर जी की समस्त लीला प्रकट हो जाता है, ठाकुर की लीला को देख करके थाल अगर हा 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 कर हंसते रहते हैं। तो उसके लिए एक उदाहरण दिया, क्यों हंसते हैं, एक उदाहरण दिया, कृष्ण रोज रोज एक गोपी के घर में जाते हैं मखन चोरी करने, लेकिन वो गोपी कृष्ण को जब दर्शन करती है वो थोड़ी समय तक तो दर्शन होता है, फिर कृष्ण भागे जाते हैं मखन खा कर। एक दिन एक गोपी ने सोची आज कृष्ण को बांध करके रखूंगी
और बैठ करके पास से ना बढ़िया से कृष्ण को देख लो, हाँ बढ़िया से कृष्ण को मैं निहार लू। इसलिए गोपी कृष्ण के लिए मटके में मक्खन रख दी, घर की कोने में छुप कर के बैठ। इतने में कन्हैया आए, इधर देखा उधर देखा इधर देखा, कोई है कि नहीं, बोले कोई है नहीं। हाँ जैसे बिल्ली धीरे 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 जैसे घर में घुसता है ना, वो बिल्ली जैसे धीरे 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 घुसने चलती है, करते करते पास मक्खन खाने लगे। गोपी तो देख करके खूब खुश हो रही, बोले आज मेरे मक्खन बनना सार्थकता हो गया, क्योंकि ठाकुर जी आरभ रहे, ठाकुर जी भोजन बड़ी खुश हो रहे। बोले लेकिन कृष्ण दर मक्खन खा के झट तो भाग जाएंगे, फिर कृष्ण दर्शन होगा ही। इतने में कृष्ण जब मक्खन खा लिया ना, इतने में गोपी जाकर झट पकड़ लिया, बोले कहाँ जाओगे, रोज रोज मक्खन चोरी करते हो, आज तो तेरे को मैं घर में बांध करके रखूंगी। बोले गोपी मैं तो सोच रहा था घर मेरा है, मेरे ही घर है। बोले तेरे घर है, अभी दिखाता हूँ तेरे को, चल तेरे को आज मैं बांध कर रखूंगी, पिलर को मेरे हाथ पे रखो। कृष्ण ऐसे हाथ को रखे और अपना चोटी से जो रिबन था, हाँ पिता को निकाले, निकाल करके जब कृष्ण को बांधने के लिए गई, लेकिन भगवान का शरीर तो मक्खन से भी ज्यादा कोमल है, लेकिन जो बांधने के लिए जाए ना खिसक जाए खिसक जाए। इतने में कृष्ण ने पूछा, गोपी कभी जिंदगी में तू बंधी गई कि नहीं? बोले नहीं। बोले भैया जब तक तो खुद नहीं बंधी जाओगी तब तक बांधना कैसे सीखोगे, इसलिए तू तो बांध नहीं पा रहे हो। बोले कन्हैया क्या तेरे को बांधना आता है? और क्या, मैं तो बड़े बड़े ज्ञानियों को, बड़े बड़े कर्मी को, बड़े बड़े ज्ञानी कर्मी को भी अपना प्रेम में मैं उनको भी बांध देता हूँ। सुखदेव गोस्वामी जैसे, चतुसंत जैसे ब्रह्म ज्ञानी को भी मैं अपना प्रेम में बांध देता हूँ। बोले सिखा दे, बोले हाथ रख, अब तेरे को सिखाता हूँ। वो भी हाथ रख, कृष्ण एक बार लपेट, दो तीन चार बार लपेट मारे, मार करके एक गांठ दो गांठ और गुण गांठ अच्छी तरह से बांध दी। बोले कन्हैया तेरे को तो बड़े सुंदर बांधना आता है, और क्या, मैं सबको अपना प्रेम में बांध देता हूँ। आप लोग भी कृष्ण, आप लोग भी बांध दे तब तो घर छोड़ कर जाए, नहीं तो क्यों इतना घर छोड़ करके इस समय में रजाई में सोते सोती हुई होती है ना। लेकिन देखो वृंदावन में राधे राधे बोलो और वृंदावन में बोलो, इसलिए बोले मैं तो सबको अपना प्रेम रस में सबको मैं बांध देती हूँ। बोले कन्हैया खोल दे। बोले गोपी अभी तक तो मैं किसको खोलना सिखाई, जिंदगी में सबको मैं बांधना ही सिखाया। बस कृष्ण उन्होंने उन्होंने नौ दो ग्यारह हो गया, अमृता की तरह नौ दो ग्यारह हो गए हैं। ऐसे ही जब भक्त लोग अपना हृदय में ये ठाकुर जी की इतने सुंदर सुंदर लीलाओं को दर्शन करते हैं, दर्शन करते हुए ठाल लगा करके हंसना शुरू कर देते हैं। बोले रोते हैं क्यों? बोले इसलिए रोते हैं, ठाकुर जो दर्शन दे दिया, बड़ा आनंद मिला ठाकुर का दर्शन से, बड़ा आनंद मिला। बोले कितना आनंद मिला है देखो, ठाकुर का दर्शन में कितना आनंद होता है। ये पृथ्वी में जितने लोग हैं सबकी मन में कुछ ना कुछ आनंद है कि नहीं? सबका अंदर थोड़ी बहुत सबका अंदर आनंद है। कहते ये सारे आनंद को इकट्ठे कर लो, सारा दुनिया में जितने लोग है, कहते भगवान के दर्शन में जो आनंद है मानो एक समुद्र जैसा आनंद है, समुद्र जैसा आनंद है। कहते उसका जो एक बूंद है, समुद्र का जो एक बूंद है, ये अगर ये विश्व ब्रह्मांड का जीवी के हृदय में जो आनंद है अगर उसको एकत्रित कर लो ना, कृष्ण दर्शन का जो फल है उसमें जो आनंद है, कहते उसमें जो आनंद है, कहते उसका एक बूंद को साथ में भी बराबर नहीं कर सकते, इतने आनंद है कृष्ण कृष्ण दर्शन में। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, इसलिए इतने आनंद है, इतना आनंद मिला कृष्ण को दर्शन करते हुए। लेकिन कृष्ण जब चले जाते हैं फिर तो रोना शुरू कर देते हैं, ठाकुर जी दर्शन तो दिया इतना आनंद मिला, ठाकुर जी कहाँ गए, रोना शुरू कर देते हैं। लेकिन कभी कभी नाचना शुरू कर देते हैं, बोले क्यों, जैसे कृष्ण रास से अंदर ध्यान हो गए, जब अंतर ध्यान हो गए ब्रज गोपियों ने बोले कृष्ण को भजन बड़ा प्यारा है, चलो जमुना किनारा में बैठ कर के भजन करेंगे। जब गोपी गीत को गाए फिर कृष्ण फिर प्रकट हो, जब कृष्ण प्रकट हो गए गोपियों ने क्या किया, फिर कृष्ण को साथ में खूब रास रचाए। इसलिए जब भगवान देखते हैं ये विरह में शरीर छोड़ देगा, इतने दुखी हो जाते हैं, फिर ठाकुर जी फिर दर्शन देते हैं।
जब दर्शन देते हैं, उदाहरण दिया मानो आपको आप बैंक में 1 करोड़ रुपया था, आपको पता चला मेरे 1 करोड़ रुपया फेल हो गया, नष्ट हो गया, फेल गया तो रोग है ना। 1 करोड़ रुपया जिंदगी का सारे पैसा कमा कमा कर रखा था, 1 करोड़ रुपया हमारे बैंक फेल हो गया, रोग है। लेकिन किसी ने कहा भैया जो बैंक फेल हो गया था ना, अभी तुमको पैसा मिल जाएगा, फिर क्या करो, नाचना शुरू कर दो, नाचना शुरू कर दो। उसी तरह जब कृष्ण अंदर ध्यान में दुखी होकर के जब कृष्ण दर्शन दिए रास को, बीच में पुनः कृष्ण जब प्रकट हो गए, कृष्ण फिर सबको लेकर ठाकुर जी नृत्य किए। इसलिए कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी लोट पोट खाता है, कभी आनंद में डूबे रहते हैं, है? इसलिए कैसे होगा, मतलब हरि नाम को द्वारा होगा, सब कुछ हरि नाम से ही सब कुछ होगा। इसलिए क्या करनी चाहिए, गुरु जी से हमें जो माला मिली है उसको, माला नहीं मिली समझो ठाकुर जी हमारे पास में आए, ठीक है, ऐसे मान करके हरि नाम खूब करो और खूब माल को जमाओ, यही असली माल है, और भगवान की भजन हरि नाम करके जीवन को सार्थक बना, ठीक है। हाँ, कथा को एक बार हम विस्तार देते हैं, गुरु मंत्र जप करो, ठीक है, बैठ करके जो हरिनाम करना हरिनाम करो, फिर 8 बजे फिर प्रसाद मिलेगा, फिर उसको बाद में फिर हम लोग 9:30 बजे फिर हम बैठ करके गुरु जी कथा सुनेंगे, और गुरु जी कथा सुनने के बाद आप लोग जो जाओगे मेरे से मिल करके जाना, आपको कुछ कुछ प्रसाद होगा, आप लोग अपना घर में लेकर के जाना, ठीक है। बोले हरे कृष्णा 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 हरे